मित्रों, घमंड अपने चरित्र पर किया जाता है, आपके पक्ष में चल रहे समय पर नहीं। क्योंकि याद रखना, संबंध चाहे बरसों के हों, लेकिन एक बार का अप्रिय व्यवहार दिल को ठेस पहुंचाकर उसे तोड़ ही देता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जिनका नाम अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है, उनके चार महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। फरवरी से लेकर मई तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है, या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। यम नाम वाले, सिंह राशि वाले लोग जो होते हैं, बहुत ही परोपकारी होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए और संबंधियों पर बहुत विश्वास होता है इनको। दूसरों की सहायता करके खुश हो जाते हैं, अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। चलिए राशिफल की चर्चा करते हैं। राशिफल की चर्चा करें तो यम नाम वाले लोगों के लिए शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चारों महीने काफ़ी बेहतर रहेंगे, जहां पर आप अच्छा कर पाएंगे और शिक्षा में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे, मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अपने पारिवारिक कार्यों के चलते अपना समय व्यर्थ में ना गंवाएं, और तो देखेंगे आप शिक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे, परिणाम तभी आपको अच्छे मिल पाएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए फरवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय रहेगा, यहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन 12 फरवरी से लेकर और 31 मार्च तक के समय में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, खर्चों की अधिकता हो सकती है व्यापार कारोबार में आपके। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर 12 फरवरी से 31 मार्च तक का समय ध्यान रखकर चलेंगे तो बाकी सारा समय व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार या नौकरी कर रहे हैं तो आपको 31 मार्च से आगे का जो भी समय है वो काफ़ी बेहतर जाने वाला है और अच्छा परिणाम दिखाएगा। 31 मार्च से 31 मई तक का समय वहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए सामान्य सा समय रहेगा। धन और आय की बात करें तो धन और आय के मामले में आपको वहाँ पर भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। फरवरी से लेकर मई तक का समय धन और आय के मामले में बेहतर रहेगा। थोड़ा सा आपको बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर थोड़ा सा बजट बनाकर चलेंगे तो फिर धन और आय के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक लाभ, अचानक हानि के योग बने रहेंगे, अचानक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। तो धन और आय के मामले में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों के मामले में इन चार महीनों में फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय काफ़ी बेहतर है, वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, मुलाकातें होंगी, रोमांस होगा, आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, संबंधों में एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा एक दूसरे के बीच में, और परिणाम भी अच्छे लेंगे प्रेम संबंध में। वैवाहिक संबंध की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। हालांकि संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि ईमानदारी बहुत आवश्यक होगी। अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो फिर आपके वैवाहिक संबंधों में परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहें तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर कोई मतभेद चल रहा है आपके जीवन साथी के साथ, उसको समाप्त करना चाहते हैं तो उसको भी प्रयास कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक का समय बेहतर है, वहाँ पर आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। और अविवाहित लोगों के लिए भी 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है। और वैवाहिक संबंधों में प्रत्येक क्षेत्र में 30 अप्रैल तक आपके लिए बेहतर ही परिणाम मिलने वाले हैं। कोई न कोई यात्रा आपके जीवन साथी के साथ बनती है इन चार महीनों में, और वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ गलत फहमियाँ हो सकती हैं, इसलिए वहाँ पर बातचीत करते वक्त बाड़ी पर सेम अवश्य रखें। पारिवारिक जीवन में भी तालमेल बनाकर रखें, पारिवारिक जीवन में भी गलत फहमियाँ, शंकाएँ आपको परेशान कर सकती हैं, उसका भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। यम नाम वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो फरवरी से लेकर मई तक का जो महीना रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो भी स्वास्थ्य के मामले में मेरी यही सलाह है कि स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही ना बरतें, अपने खान पान का ध्यान रखें और स्वास्थ्य में कोई समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो मित्रों, ये एम नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। ऐसा संभव नहीं है
क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।